ये देखिए, अब हमारा पहला टारगेट है बीजेटी करेक्टरिस्टिक, जिस तरह मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक की थी हमने लास्ट से लास्ट लैब में, तो बीजेटी के करेक्टरिस्टिक हमने देखनी है। इसके अंदर देखें तो इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग एरिया है, ये आप खुद भी निकाल लेंगे, आप खुद निकाल सकते हैं डेटा शीट से, आप देखें उसकी वाटेज। और जो करेक्टरिस्टिक आएंगी आउटपुट करेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट में, तो वोल्टेज और करंट को देख के आप उसकी मल्टीप्लाई करके पावर देखें कि वो पावर कौन सी आ रही है जो आपकी डाटा शीट में अवेलेबल है उस बीजेटी के लिए। तो इस तरह आप डिफरेंट कर्व्स पे वो सेफ ऑपरेटिंग एरिया जो हमने मॉसफेट में किया था उस तरह आप खुद कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन जो है करेक्टरिस्टिक के अंदर आप देखें तो जिस तरह ओहमिक रीजन है, सेचुरेशन है, एक्टिव रीजन, तो ये सारे हम देख लें। एक तो करेक्टरिस्टिक देखनी है कर्व्स हमने ड्रा करनी है, दूसरा हमने लॉसेज का कंपेरिजन करना है, दो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। तो लॉसेज के अंदर कंडक्शन और स्विचिंग लॉसेज आएंगे और करेक्टरिस्टिक के अंदर इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, ठीक। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए इधर बैक जाएँ, ज़रा इधर नोट्स होंगे, इधर नीचे नोट्स बीजेटी पे जाएँ, नीचे ये नोट्स बीजेटी, इस पर क्लिक करें, नीचे जाएँ ना नीचे, ये नोट्स बीजेटी डबल क्लिक करें। तो ये देखें इसके अंदर करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो पेज नंबर है इसका 22 है। तो ये मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक हमने देखनी है, ये इस तरह 22 डायरेक्ट क्लिक कर लेना, उधर 22 ड्रैग कर लेंगे, चल। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक है, तो इसमें देखें तो इनपुट करेक्टरिस्टिक इसकी, या इसको बेस करेक्टरिस्टिक भी कहेंगे, तो इसमें क्या कि आईबी करंट वर्सेस बेस टू मीटर, ठीक। तो अब आपने इनके टर्मिनल्स की याद रखने हैं कि यानी जो मॉसफेट के टर्मिनल्स थे, कोई मुझे बता सकता है कि मॉसफेट के टर्मिनल्स कौन कौन से थे? तीन, गेट सोर्स गेट सोर्स ड्रेन, वेरी गुड, गेट ड्रेन सोर्स, यस सर, ठीक है। इनका टिक कर दें, इनका इनका, और इनका भी कर दें इनका। वो उसके अंदर तो गेट ड्रेन सोर्स हो गया मॉसफेट। अब ये जो बीजेटी है इसके अंदर बेस कलेक्टर मीटर, ठीक है, ये याद रख। तो अब बेस कलेक्टर मीटर है तो इसकी जो बेस करेक्टरिस्टिक है या इनपुट करेक्टरिस्टिक है वो बेस करंट वर्सेस बेस टू मीटर वोल्टेज है। और जो इनपुट करेक्टरिस्टिक मॉसफेट की थी वो किसके क्रॉस थी वैसे? गेट टू सोर्स VGS वर्सेस वेरी गुड, उनका ट्रिक कर ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप देखें आउटपुट करेक्टरिस्टिक है, ये इधर नज़र आ रही है आपको, इसमें आउटपुट करेक्टरिस्टिक देखें या इसको कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कहते हैं, कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज। मॉसफेट में क्या थी? मॉसफेट में ये क्या कहाँ थी? कोई बता दे, कोई आउटपुट करेक्टरिस्टिक जो है मॉसफेट की, VDS और ID, वेरी गुड, ये देखें ना इनका टिक करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन आपको समझ आ रही है, चले। अब हम करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, इनपुट करेक्टरिस्टिक या ये जो बेस करेक्टरिस्टिक हैं IB वर्सेस VB कैसे निकालेंगे? इधर देखें, ये सर्किट बनाएं, अब ये सर्किट बनाएं, मैं एक मिनट देता हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर देखें, बना रही है सामने, अच्छा वेरी गुड, कुछ कर रहा था। अच्छा, ये देखें बेस, ये मैंने BJT सेलेक्ट किया है, इस पर डबल क्लिक करें तो ये BJT है। तो ये कौन सा है? 2N3055 है, NPN 2N3055। इसकी डाटा शीट भी खोलें ज़रा, यहाँ डाटा शीट भी होगी, ये देखिए इधर जाएंगे ना ऊपर, ये 2N3055, ये डाटा शीट, ये ऊपर टॉप पे, ये 2N3055, ये ऊपर वाली, हाँ ये, तो ये डाटा शीट भी है इसकी, ठीक है। अब इस डाटा शीट से भी हम देख सकते हैं कि ये दो दो की हैं, 2N3055 की भी है और ये भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यूज़ देखनी है हमने 2N3055 वालों की, ठीक है। तो अब आप देखें इसके अंदर, अब हम इनपुट करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, किस किस का ये सर्किट बन गया है सर, 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 हमारा, हमारा। और उनका आपका नहीं हुआ,
आपका हो गया, आपका भी हो गया, आपका आपका पीछे बताइए अभी हमें तो।